जबलपुर की ये पावन भूमि विभिन्न महानतम व्यक्तित्वों का निवास स्थान रही है, जिनमें शीर्ष पर नाम आता है शहर के जाने माने डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर का। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने न केवल शहर को गौरवान्वित किया बल्कि आज भी 77 साल की उम्र में लगे हुए हैं निरंतर सेवा में। पाकिस्तान में जन्मे डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर को 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। 1971 में भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के दौरान सैकड़ों जवानों का इलाज किया है डॉक्टर एमसी डाबर ने। तत्पश्चात 1972 में वे रिटायरमेंट लेकर जबलपुर में प्रैक्टिस करने लगे और शहर की जनता का इलाज करते हुए उन्होंने अपनी पहली फीस मात्र 2 रुपए रखी और आज के इस महंगाई के दौर में भी 2023 में मात्र 20 रुपए फीस लेकर शहरवासियों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर एमसी डाबर। इस कारण उन्हें जबलपुर की गरीब जनता का मसीहा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1972 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जब डॉक्टर एमसी डाबर ने जबलपुर में प्रैक्टिस से शुरुआत की थी तो उनका क्लिनिक जबलपुर में महानद्दा में स्थित था। 49 सालों तक महानद्दा में क्लिनिक चलाने के बाद वे पिछले 2 साल से जबलपुर में शारदा मंदिर के पास अपना नया क्लिनिक चला रहे हैं। क्लिनिक तो बदल गया पर बदली नहीं तो केवल एक चीज, ये रोजाना सैकड़ों मरीजों की भीड़, जो डॉक्टर साहब पर जनता के विश्वास की परिचायक है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में रोचक बात यह देखने को मिली कि दीवारें चारों तरफ से अवार्डों और उनके सम्मानों से भरी पड़ी हैं। ये तस्वीरें बताती हैं डॉक्टर साहब के जीवन की उपलब्धियों को और उनकी महानता को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी ने सम्मानित किया है डॉक्टर एमसी डाबर को। डॉक्टर डाबर के क्लिनिक में जाने के बाद हमें पता चला कि आने वाले 19 जुलाई 2023 को गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा उन्हें चैंपियन ऑफ चेंज के खिताब से भी नवाजा जाने वाला है। डॉक्टर डाबर के इस क्लिनिक में युवा पीढ़ी के साथ साथ पिछले 30-40 सालों से जुड़े मरीज भी निरंतर आते रहते हैं और डॉक्टर साहब की दवाएँ उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी साबित हो रही हैं। डॉक्टर डाबर जैसे महानतम व्यक्तित्व को हमारा दिल से सलाम। वीरेंद्र मोहन अवरोध डॉक्टर डाबर के पास पिछले 45 साल से दिखा रहा हूँ। पहले ये महानद्दा में जब बैठते थे तो मात्र 2 रुपए फीस थी, आज महंगाई धीरे धीरे बढ़ी तो 10 से फिर 20 रुपए की है, जो कि आज के समय में बहुत कम है। इसमें वो बीपी भी चेक करते हैं, दवाई भी लिख के देते हैं 20 रुपए में ही। 20 रुपए में बीपी भी चेक कर देते हैं और दवाई भी लिख के देते हैं, और यदि कोई ज़रूरी जांच हो तो जांच के लिए लिख के देते हैं। इसके पहले वो सेना में थे, सेना में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। 1971 के युद्ध में इनने जो घायल सैनिक थे उन लोगों की सेवा की है और उसके बाद रिटायरमेंट लेकर ही अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है और अभी एक तरह से लोगों की सेवा ही कर रहे हैं, जबकि उनके आज के समय में शरीर का साथ नहीं दे रहा है। उनका बेटा भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन फिर भी वो चाहे तो घर बैठ के आराम कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी सेवाएं इसलिए दे रहे हैं कि जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको इतने कम पैसे में कोई भी आज के समय में डॉक्टर देखना नहीं पसंद करता, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद है।